हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. बट वी नीड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है तभी हम ये देख पाएंगे कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है और किस तरीके से होता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर ये जो मैंने आपको एक चार्ट के रूप में यहाँ पर चीजें समझाई हुई हैं, बताई हुई हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे. पहले आप समझेंगे एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर. न्यूट्रिएंट्स हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो ग्लूकोज में, अगर प्रोटीन टूटता है तो वो अमीनो एसिड में, अगर फैट टूटता है तो फैटी एसिड में, अगर न्यूक्लिक एसिड टूटता है तो वो नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर और शुगर मॉलिक्यूल, वे सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स. तो हम क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल. यानी के जो एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कह सकते हैं, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू वेरियस प्रोसेस. उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन. तो आप एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन ध्यान से देखें, द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है कहां से कहां, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड. यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स बने बड़े भोजन को तोड़ने से, अब वो किस में मिक्स हो जाएं, ब्लड में, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है. वैसे तो ये 4-5 पेज पर डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, बट आपकी सुविधा के लिए मैंने ये बिल्कुल छोटा और सिंपल टेबल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ऊपर हेडिंग डाला है मैंने, विच न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस एब्जॉर्ब वेयर, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब होगा, विच न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस एब्जॉर्ब वेयर, कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब होगा. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन. यानी के जो एब्जॉर्प्शन में जो मुख्य पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक के शामिल होते हैं वो चार हैं, माउथ, बकल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी बकल कैविटी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो माउथ है ये हम बकल कैविटी को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि माउथ और बकल कैविटी का यहाँ मीनिंग एक ही दिखाया है. यानी कि माउथ या बकल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में विच न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस एब्जॉर्ब वेयर. तो ये चार चीजें हैं. अब हमें ये देखना है इन चार चीजों में कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस है वो कहां एब्जॉर्ब होता है. देखेंगे माउथ में जो भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे बकल कैविटी या जो हम माउथ कहने लग रहे हैं उसमें बहुत कम समय के लिए रुकती है. यानी कि जब तक हम भोजन को चबाते हैं उसमें सलाइवा मिक्स होती है तब तक वो भोजन हमारे माउथ या बकल कैविटी में रहता है, उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट में
ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस उस थोड़े से समय के लिए जो भोजन रहता है उसमें हमारा जो बक्कल कैविटी है वो क्या क्या चीज एब्जॉर्ब कर सकता है, थोड़ा बहुत वाटर और कुछ ड्रग्स, यानी कि बक्कल कैविटी और माउथ के अंदर जो भोजन थोड़ी सी देर के लिए रुकता है तो केवल वाटर और कुछ ड्रग्स ही वहां पर एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। फिर वो भोजन कहाँ चला जाता है, स्टमक में, यानी कि वे न्यूट्रिएंट स्टमक में गए। अब स्टमक किन किन चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, शुगर यानी कि जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज या जो गैलेक्टोज वगैरह बना है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। एल्कोहल, अगर किसी ने एल्कोहलिक सब्सटेंस लिया है, जैसे कई बार कफ सिरप में भी एल्कोहलिक सब्सटेंस होता है और हमारी जो मेडिसिन है उनमें भी एल्कोहलिक सब्सटेंस होता है, या जो बियर है या जो वाइन है उसमें भी एल्कोहल होता है, तो वो भी कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक की जो इनर मेम्ब्रेन है, स्टमक की क्या पूरी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे जो इनर लाइनिंग थी, हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट में किया था कि इनर लाइनिंग ऑफ गट या एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, एपिथीलियम, यानी कि वो डायरेक्ट भोजन के कॉन्टेक्ट में है। तो ये जो एपिथीलियम है, जो म्यूकोसा का पार्ट है एपिथीलियम, जो ल्यूमन के चारों तरफ था वो एब्जॉर्ब करेगा। तो स्टमक के अंदर कुछ पानी, शुगर, एल्कोहल और कुछ ड्रग्स, यानी कि आप देख रहे हैं ड्रग्स, एल्कोहल, शुगर और वाटर को एब्जॉर्ब करने में स्टमक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब भोजन जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो ठीक है, जो आप मान लीजिए ये 2% ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, बाकी की ड्रग्स फिर आगे चली जाएगी, यानी कि अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी ग्लूकोज जैसा पार्ट है, जैसे हम चीनी को खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज टूट के बाहर निकलता है, उसी प्रकार जब हम फ्रूट को खाते हैं तो वो मीठी सी चीज ग्लूकोज जैसी होती है, उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। इन सभी बातों को हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ, ये जो टर्म यहाँ पर आती हैं इन टर्म से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये जितनी भी टर्म्स यहाँ आती हैं धीरे 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 हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे ना, ये सारी टर्म धीरे 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 सब क्लियर हो जाएंगी और मुश्किल लगनी भी बंद हो जाएंगी। अब हमें एकदम से ये नए शब्द सुनने को मिल रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बड़ा सा शब्द है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे ये शब्द बिल्कुल फैमिलियर हो जाएंगे आपके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड जो फैट के टूटने से बना था, अमीनो एसिड जो प्रोटीन के टूटने से बना था, ग्लिसरॉल जो फैट के टूटने से बना था, यानी कि आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारी चीजों का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब कुछ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में भी चला जाता है, जैसे अगर पानी बहुत ज्यादा है तो देखिए पानी यहाँ भी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ भी एब्जॉर्ब हुआ, अगर पानी की और ज्यादा जरूरत है बॉडी को तो लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड से और ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। मिनरल्स, सोल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे आयंस होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो हमारे सॉल्ट होते हैं, वो ज्यादातर हमारे कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। दूसरी कुछ ड्रग्स, अब जो ड्रग्स यहां पर या यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हुई वे ड्रग्स भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी। और मैंने जब लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन और रेक्टम पार्ट किया था तो आपको बताया था कोलन के अंदर विटामिन बी और विटामिन के जो ईकोलाई बैक्टीरिया है वो बनाता है, और वो विटामिन भी किसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ, वाटर एंड सम ड्रग्स,
स्टमक के अंदर वाटर शुगर अल्कोहल और कुछ ड्रग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी चीजें ग्लूकोज फ्रेक्टोज फैटी एसिड अमीनो एसिड ग्लिसरॉल्स और ये वाटर वगैरह ये तो होंगे ही एब्जॉर्ब। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर मिनरल सॉल्ट या आयन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ ड्रग्स एंड कुछ विटामिन्स हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, अब तो हमने ये देखा कि विच न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस एब्जॉर्ब वेयर कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब होता है, ये तो हम इस टेबल से देख चुके हैं। आपके 5-6 पेज की मेहनत हमने छोटी सी टेबल में एडजस्ट कर दी। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब भाई ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है और ये ब्लड के अंदर जाते हैं, इसी को तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन ये कैसे जाते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इन सब्सटेंस का, तो दूसरी जो हमारी टेबल रहेगी दूसरा हमारा जो इसका कंटेंट रहेगा वो यही बताएगा कि किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के अंदर जाते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, जैसे वाटर, अब एलिमेंट्री कैनाल से वाटर ब्लड के अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, ओस्मोसिस के थ्रू। ये जो प्रोसेस है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अलग अलग और हर एक चैप्टर में आएंगे, बस आपको यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि वाटर किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ओस्मोसिस के थ्रू। वेरी गुड। दूसरी बात आयंस है, आयंस में भी मैंने मुख्य मुख्य आयंस लिखे हैं, जैसे सोडियम, ये तो वाटर तो हो गया ना ऐसे, अब दूसरा क्या है आयंस, सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये इस तरीके के जो आयंस हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के अंदर कैसे जाते हैं, तो ये कैसे जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी लगती है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है अब कि जो आयंस हैं ये वाले आयंस वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से। इतना याद भी रख लोगे ये भी बहुत अहम और बड़ी बात होगी। तीसरा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज ग्लूकोज का भाई है, जैसे फ्रेक्टोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज एक जैसे से होते हैं, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक विशेष प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं और उस प्रोसेस का नाम है को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। क्या नाम है उस प्रोसेस का, को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इस को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को सोडियम की मदद से किया जाता है, ये भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है और ये सोडियम की प्रेजेंस में होगा। दूसरा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जब एब्जॉर्ब होंगे तो वो भी किससे होंगे, को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से। और फिर फैटी एसिड, फैटी एसिड कैसे एब्जॉर्ब होगा, ये एक विशेष टर्म मैंने लिखी है काइलोमाइक्रोन। क्या नाम है इसका, काइलोमाइक्रोन CHYLOMICRON काइलोमाइक्रोन, यानी कि काइलोमाइक्रोन बनके तब जाके फैटी एसिड क्या होंगे एब्जॉर्ब। तो ये काइलोमाइक्रोन क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि जब फैट के ग्लोब्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के साथ या प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाएं, जब ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट मिक्स विद कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन देन काइलोमाइक्रोन विल फॉर्म्ड। आपको सिर्फ शब्द याद रखना है काइलोमाइक्रोन, मैंने आपको बताया किस किस के जुड़ने से बनता है, नंबर जैसे फैट ग्लोब्यूल्स प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड,
ये सब आपस में जब मिल जाते हैं तो काइलोमाइक्रोन बनता है और फिर ये काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होता है, यानी कि फैटी एसिड किस तरीके किस रूप में एब्जॉर्ब होगा, काइलोमाइक्रोन। तो बेटा आप सबको ये ध्यान रखना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहां पर एब्जॉर्ब होता है, ये वाली टेबल, और कौन सा न्यूट्रिएंट्स या आयन कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, पानी कैसे होता है, ऑस्मोसिस से। आयन कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ग्लूकोज गैलेक्टोज कैसे होता है, को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से। अमीनो एसिड भी कैसे होता है, को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से। फैटी एसिड किससे होता है, काइलोमाइक्रोन से। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिमिलेशन। ओके, थैंक यू।